सबसे पहले जो है अभी आपको मैं साइड पर जो वीडियो दिखा रहा हूं इस चैनल को आप चेक करो, ठीक है। अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखो और यहां पर जो ट्रिक ये बता रही है इस ट्रिक को आप अगर फॉलो करते हो 101% कह रहा हूं आपका वीडियो जो आपका चैनल जो है रॉकेट की तरह ऊपर को भागने लगेगा। सबसे पहले यहां पर जो देख रहे हो ये है मधु सिंह का, ठीक है। ये मधु सिंह मैडम है, ये एक एजुकेशनल इनका चैनल है और ये बच्चों की तैयारी करती है सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है ये पढ़ाती हैं, तो क्या क्या पढ़ाती हैं उस चीज को हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो आप भी इनकी तरह कैसे अपना वीडियो जो है आप वायरल करा सकते हैं, अपने चैनल को कैसे आप बूस्ट करा सकते हैं अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या इन्होंने तरीका बनाया है उस चीज को आपको सीक्रेट जो है उस चीज को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले इनके हम चैनल पर चलते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो इतना अच्छा है कि भारत की संस्कृति पर इतना ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है कि चैनल जो है इनका एकदम रॉकेट की तरह भागता है और बच्चे इनके जो है इतने दीवाने हो चुके हैं कि आप देखेंगे इनकी वीडियो पर एक वीडियो जो है 4 दिन पहले पड़ा हुआ है जिसपे लिखा धमाकेदार ट्रिक के साथ भारत के समकालीन राज्यों के वितरण की जानकारी बस कुछ ही पलों में। और यहाँ पर व्यूज देखेंगे आप 1,10,000 व्यूज हैं। अगर इनके सब्सक्राइबर की अगर बात करें तो सब्सक्राइबर इस चैनल पे 14,200 हैं करंट टाइम में जिस समय अभी हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम पॉपुलर वीडियो पर चलते हैं तो यहाँ पर पॉपुलर वीडियो में अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 वीक पहले जो है वीडियो में आप देखेंगे हर्ष के चरित्र के अनुसार उनके मंत्र परिषद कौन कौन से थे और कौन कौन सा कार्य संभालते थे। अभी मैडम का तरीका देखिए किस अंदाज में पढ़ाती हैं, जरा आपको हम वीडियो थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं, नहीं तो एक कम्युनिटी आपको पता ही है इससे पहले जो जो कोई यहाँ पर इस तरह की वीडियो पर आवाज उठाता है या वीडियो को कोई दिखाता है तो उसका चैनल या तो डिमोनेटाइज कर दिया जाता है, उसके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन या कम्युनिटी स्ट्राइक जो है भेज दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो भाई इनका जो वीडियो है उसको मैं दिखाता हूँ, जरा देखिए अंग्रेज और मराठा के बीच होने वाले प्रमुख संधि को विशेष महत्वपूर्ण से कौन कौन से संधि है। अब इनका तरीका देखिए थंबनेल इन्होंने कैसे लगा रखा है, ठीक है। तो आपके चैनल पर व्यूज कैसे आएंगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारा सीक्रेट जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपके चैनल पर 2-4 व्यूज 10 व्यूज आ रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना है और यही काम करना है जो कि मैडम आप कर रही हैं, ठीक है। तो देखेंगे, चलिए इनका मैं एक वीडियो को यहां पर चलाता हूं। तो दोस्तों अभी जो है इनका वीडियो मैं एक आपको चला के दिखाता हूं, पहले इस वीडियो को देखिए, ठीक है। क्या तरीका है, क्या ट्रिक है जिसकी वजह से इनके वीडियो पर काफी ज्यादा भर भर के व्यूज आ रहे हैं और ये जो है देख रहे हो कितने सब्सक्राइबर इनके लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ। तो अभी आपने देख लिया होगा कि इनका टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या बता रही हैं कि इनका टॉपिक क्या है, ठीक है। कुछ तो शर्म कर लो मैडम, इस तरह के जो आप वीडियो बना रहे हो आपके जो भी आप जो वीडियो बना रहे हो पहले तो वो चीज को समझो, आप बना क्या रहे हो, आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हो और इस तरीके से पढ़ा रहे हो, ये तरीका क्या सही है आपका पढ़ाने का। अगर जो टीचर ही अगर इस तरह की अभद्रता जो है फैलाना शुरू कर देंगे समाज में तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या सीखेंगे, आपको पता है पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, टीचर जो होता है गुरु होता है। अब आप जो है इस तरह की गंदे वीडियो मतलब गंदे ही हुए एक प्रकार से बिना कपड़े के नंगे होकर आप अगर पढ़ाना शुरू करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, वो तो क्या है आपका केवल वीडियो थोड़ी आपका पढ़ाई नहीं देख रहे हैं, आपका शरीर देख रहे हैं, आपका पहनावा देख रहे हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप कैसे लग रहे हो, उनको कुछ आएगा समझ में नहीं आएगा लेकिन क्या है उनका मानसिक जो संतुलन है बच्चों का इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा और जो पढ़ना चाहते हैं वो भी शायद जो है पढ़ नहीं पाएंगे अगर इस तरह की वीडियो जो है यहाँ पर यूट्यूब पे चलते रहेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही पहले जो है बहुत सारे वीडियो जो है देखने को मिलते थे लेकिन अब इस तरह की वीडियो देख रहे हो मास्क लगा के अगर ऐसे ही जो है ट्रिक अगर सब कोई अपनाने लगेगा और बिना कपड़ों के यहाँ पर पहनकर गंदे कपड़े पहनकर कोई अगर वीडियो बनाकर पढ़ाना शुरू कर देगा तो आप समझ सकते हो बच्चों का क्या होगा भविष्य, आपके बच्चे होंगे उनका क्या होगा। समाज में कहना है कि अभी जो है घोर कलयुग इसी तरह जो है देखने को हमें मिल रहा है,
कि पैसे के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, व्यू छापने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कहे क्यों ना, सबका जिम्मेदार जो है हम ही लोग हैं। यूट्यूब है जिम्मेदार, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप सही वीडियो डालेंगे तो कोई नहीं देखेगा। यूट्यूब भी उसी वीडियो को रिकमेंड करता है जो गंदे संदे होते हैं, जो ऊट पटांग जो वीडियो बने होते हैं उन्हीं को जो है यूट्यूब भी रिकमेंड करता है। सही वीडियो डालो, आपके चैनल पर व्यूज ही नहीं आएंगे, आप परेशान हो जाओगे, माथा मारते रहोगे। आप हमारे चैनल पर जाकर देखोगे, हम आपको यूट्यूब के बारे में बताते हैं, वीडियो एडिटिंग के बारे में बताते हैं, थंबनेल के बारे में बताते हैं, ऑनलाइन जो डिजिटल जानकारी उसके बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आपको इतने ज्यादा भर भर के व्यूज नहीं मिलेंगे। हमारा चैनल भी पुराना हो चुका है, लेकिन कारण यही है कि आजकल जो है सबसे ज्यादा जो है अभद्रता वाले वीडियो ही चल रहे हैं। यूट्यूब उन्हीं वीडियो को रिकमेंड करता है जो अभद्रता वाले होते हैं। सही जो है, कहते हैं कि समाज में बुरी चीज बहुत जल्दी वायरल होती है, सही चीज जल्दी वायरल नहीं होती है। वही हाल जो है मैडम का हुआ है। मैडम भी कुछ पैसों के चक्कर में क्या नहीं कर रही है, कुछ तो शर्म करो मैडम। इस तरह के अभद्रता भरे जो वीडियो आप बना रहे हो नहीं चल रहा, थोड़ा सा देर में चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप पढ़ा रहे हो, कुछ और ट्रिक अपनाओ, लेकिन शरीर पे कपड़े तो कम से कम पहन लो। आधे कपड़े पहन लिए, बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, आपके बच्चे होंगे तो क्या सीखेंगे, यही सीखेंगे। और आप जैसे ही लोग जो है समाज को गंदा कर रहे हैं, बच्चों को जो करियर है वो खत्म कर रहे हैं, बच्चे जो है आप तैयारी करवा रहे हो, बच्चे क्या तैयारी करेंगे, उनका मानसिक संतुलन तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा, केवल आपको देखकर, आपका शरीर देख के कुछ नहीं कर पाएंगे वो। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग व्यूअर हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस तरह के वीडियो जो है यूट्यूब से परमानेंट हट सकते हैं, चैनल भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि पब्लिक में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आवाज उठाइए कि इस तरह की जो वीडियो है यूट्यूब पर ना पड़े, जिससे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य खराब ना हो। अन्यथा एक दिन ऐसा आ जाएगा कि नोट्स भरी सारे जो हैं यहाँ पर यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो चलेंगे और आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, बड़े बड़े जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की जगह इन्हीं तरह मैडमों को ही देखेंगे और कुछ नहीं देख पाएंगे, जिनसे उनका भविष्य उनका फ्यूचर जो है खत्म हो जाएगा। और ऐसे में हमारा समाज में ऐसे ही अभद्रता फैलती रहेगी। अभी जो मैडम पढ़ा रहे हैं इनकी जैसे, इनको देखते देखते पता नहीं कितने चैनल जो है बन गए हैं मधु सिंह के नाम से। अगर सर्च करेंगे आप तो देखेंगे पता नहीं कितने चैनल बने हुए, हमने जब सर्च किया तो मुझे 15 से 20 चैनल मिले हुए हैं सेम इन्हीं के नाम से और इन्हीं की वीडियो। तो आप समझ सकते हो एक चैनल पे 15,000, 20,000, 1,00,000 व्यूज आ रहे हैं। ऐसे ही भर भर के अगर चैनल बनते रहे तो आप समझ सकते हो आपके घर पे ही आपके बच्चों के पास भी ऐसे वीडियो पहुंच सकते हैं और इनको देखते देखते पता नहीं कितने लोग जो हैं यूट्यूब पे आ जाएंगे। अभी तो मैडम ने इतना तो पहन रखा है लेकिन ये भी कुछ नहीं पहनेंगी, लेकिन इनका जो तरीका है वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनका जो तरीका था पढ़ाने का वो मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनका जो तरीका था पढ़ाने का वो मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनका जो पढ़ाने का तरीका था वो कतई मुझे अच्छा नहीं लगा है। आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। आज के वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो कृपया करके ऐसे काम नहीं करना है जिससे समाज में गलत मैसेज जाए और समाज में जो भी बच्चे हैं या लड़की हैं लड़के हैं उनके माइंड पे गलत जो है इम्प्रेशन पड़े और उनका भविष्य जो है खराब हो सके। कोई बात नहीं है, चैनल आप बनाए हैं एक ना एक दिन तो ग्रो ही जाएगा, मेहनत करिए, वीडियो अच्छी अच्छी क्वालिटी दार बनाइए। ठीक है, अगर बच्चों को पढ़ना होगा तो आप अगर सही ढंग से आपका पढ़ाने का तरीका सही होगा तो आपके वीडियो पर आपके चैनल पर काफी ज्यादा रीच आएगी, काफी ज्यादा व्यूज आएंगे और आप भी पैसा कमा पाएंगे। लेकिन इतनी भी जल्दबाजी मत करिए जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब हो सके और आपके चरित्र पर भी दाग लग सके। लोग जो है कमेंट भी उल्टे सीधे कर रहे हैं लेकिन क्या पता मैडम को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।